तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और गाइस मुझे पता है कि आप लोग मेरी ये पांच को काफी दिनों के बाद सुन रहे हो, बट गाइस मैं क्या करता, क्योंकि गाइस मेरे चैनल पे आ गई थी कॉपीराइट, तो गाइस मैं इसको रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया और गाइस अंत में आके वो कॉपीराइट रिमूव बिल्कुल नहीं हुई। या मुझे पता है कि आप लोग किस चीज की उम्मीद कर रहे थे, पर हर बार जो हम उम्मीदें करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती है। चलो गाइस तो हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते। तो आज का टॉपिक है गोलमाल जूनियर, तो आज हम इसका लास्ट एपिसोड जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखो। मैं गाइस आपसे कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को वीडियो को देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग लाइक भी जरूर कर देना, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक। तो चलो गाइस गोलमाल जूनियर के लास्ट एपिसोड की जर्नी को करते हैं हम इसी जगह से स्टार्ट। वैसे तो खत्म भी मुझे इसी जगह करनी है। तो गाइस गोलमाल जूनियर के लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है, जो हमारे गोपाल और माधव होते हैं वो काफी बड़े हो गए होते हैं, उन्होंने जो है हॉस्टल की लाइफ छोड़ दी होती है और वो अभी अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहे थे। जो हमारे गोलमाल जूनियर के पांचों मेन कैरेक्टर थे वो अलग अलग हो गए थे, क्योंकि जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने जो है अलग अलग रहने का फैसला किया। तो अभी उनकी हॉस्टल की फेयरवेल पार्टी थी, तो उसमें वो पांचों के पांचों भी आए थे। तो वो पांचों बातें कर रहे थे कि यार मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, काश मेरे को यार थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। तो इसी समय जो हमारा माधव है वो गोपाल से कहता है कि यहाँ जो है एक कंपटीशन होने वाला, जिस कंपटीशन में हम जो है 10 लाख तक रुपए जीत सकते हैं। तो गोपाल कहता है माधव से कि इसमें हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा ना। तो माधव कहता है इसमें सिर्फ हमें एक गेम खेलना है, उससे हमें 10 लाख रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। तो वो पांचों डिसाइड करते हैं कि वो इस कॉम्पिटिशन में जरूर भाग लेंगे। जैसे ही इस कॉम्पिटिशन का दिन आता है तो पांचों के पांचों दोस्त जो थे वो साथ में मिलते हैं और कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई करते हैं। और जैसे ही वो कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई करते हैं, वो लोग देखते कि इस कंपटीशन में काफ़ी लोगों ने भाग लिया, मतलब इसमें कम से कम 1000 लोग जो हैं इस कंपटीशन को खेलने वाले हैं। जैसे ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता सभी को एक एक कंप्यूटर के पास ला के रख दिया जाता, और जैसे गेम स्टार्ट होता सभी उस कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही गोपाल और माधव के ग्रुप कंप्यूटर के अंदर जाता तो वो एक जंगल के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही गोपाल माधव से पूछता है कि ये हम कहाँ आ गए, क्या ये गेम का कोई रूल है, तो माधव कहता है कि इस रूल के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो इसके बाद एक डेंजरस आवाज में कोई बंदा ये कहता है, कॉम्पिटिशन तो सिर्फ एक बहाना है, तुम इस गेम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, जितने भी लोग इस गेम में फंसे हैं ना आप सभी इसी गेम में फंसे रहोगे, इस गेम से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इसको सुनने के बाद गोपाल और माधव दोनों के ग्रुप ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इस गेम से कैसे बाहर निकला जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि चलो थोड़ा आगे चल के देखते कोई हमें मिल जाए जो हमारी इस गेम से बाहर निकलने में हेल्प कर पाए। इसके बाद गए जो हमारे गोपाल और माधव के जो ग्रुप थे वो थोड़ा आगे चलते तो उन्हें एक हवेली सा दिखता जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसके बाद जैसे ही वो उस हवेली के अंदर जाने का सोचते तो माधव उन्हें मना करता है कि हवेली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी दिख रही है, लेकिन रात भी होने वाली थी तो वो ज़बरदस्ती उस हवेली के अंदर जाने की सोचते हैं। और उसके अंदर जैसे ही वो खटखटाते हैं तो उसमें से कोई भी आवाज नहीं आती है, तो वो गेट को खोल के खुद ही अंदर चले जाते हैं। जैसे ही गाइस वो हवेली के अंदर जाते वो देखते कि वो हवेली जो है ग्रैनी की हवेली है, एक काफ़ी खतरनाक सी ग्रैनी उनके पास आती है और वो सभी को डंडे से मारती है, जिसके बाद वो पांचों के दोस्त जो हैं बेहोश हो जाते हैं। और वो जैसे उनकी जो बेहोशी है वो जैसे वो उठते हैं वो देखते हैं कि वो एक कमरे के अंदर कैद हो चुके हैं। गाइस मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि जो गोपाल और माधव का जो ग्रुप था उन लोगों ने जो ग्रैनी गेम को खेल रखा था, इसीलिए उन्हें सारे रूल पता था ग्रैनी गेम के। और जैसे वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते वो देखते कि ग्रैनी जो है गाइस बाहर ही घूम रही है, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें वो ग्रैनी दोबारा मार देगी। उन्हें गाइस पता था कि अगर वो ग्रैनी से 5 बार पिटे तो वो गाइस इस गेम से बाहर हो जाएंगे और शायद वो उनका लास्ट गेम भी हो सकता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। तो गाइस आज के लिए बहुत है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा 100 लाइक पे। और गाइस मैं अभी T2 का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 100 लाइक कंप्लीट करवा दिए। और गाइस अगर आपको किसी और कार्टून का भी लास्ट एपिसोड जानने में इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट को जो शॉर्ट आउट भी करूंगा और आपको आपका जो कमेंट है मैं अपनी वीडियो में इन्वॉल्व भी करूंगा, तो मजा आएगा, कमेंट करना। 100 लाइक पे नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा।